हेलो सेरबुस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज अभी हम इसमें होटल वेकेंस चंडीगढ़ में रुके हैं, तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। हम बहुत अच्छा रूम है और आज हम एक हमें कुछ काम है सेक्टर, मतलब एक हमें सैनिटरी का कुछ सामान वापस करना है और उसके बाद हम आज चंडीगढ़ का कुछ फूड एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं मतलब लंच और डिनर, और उसके अलावा हम एलेंटे मॉल जाएंगे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो जैसे कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ दुनिया भर के पार्क हैं। तो मुझे इस दीवार के उस साइड जो दिख रहा है वो भी पार्क ही है। तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ होटल से भी, और वैसे भी ये बहुत ही सुंदर सिटी है। शायद मे भी टॉप 3 में होगी इंडिया में, और फर्स्ट नंबर पे भी हो सकती है क्योंकि हमें तो यही फर्स्ट लगती है। बहुत ही सुंदर है ये, मुझे बहुत ही मस्त होटल लगा। मतलब अंदर से भी बहुत स्पेशियस और बहुत बढ़िया है, और बाहर भी पार्किंग वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम ये जो 18D की मार्केट है चंडीगढ़ में, वहाँ पे कुछ सैनिटरी का सामान वापस करने आए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की मार्केट भी है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल का कुछ सामान लेना हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आप जहाँ से कहीं से भी, जैसे हिमाचल से यहाँ लेने आ रहे हो। और उसके साथ यहाँ पे हमने ना सैनिटरी का सामान लिया था कुछ, तो हमने यहाँ से एम्पायर बिल्डिंग स्टोर से लिया था जो सैनिटरी का सामान है वॉशरूम्स का, तो कुछ वापस कर रहे थे और कुछ लेके जा रहे हैं अभी हम। तो बहुत अच्छी शॉप है ये, अगर आप भी कभी सैनिटरी का सामान चंडीगढ़ से लेना चाहते हो तो आप यहाँ आओ। बहुत अच्छे लोग हैं, सही प्राइस लगाते हैं। बाकी आपको कुछ रिटर्न करना है, कुछ भी करना है तो बहुत अच्छा है। मतलब इनका आपको बाकायदा शोरूम में जाके दिखाएंगे भी, मतलब जैसे आप जगुआर का, सेरा का, किसी का भी ले रहे हो तो सामान भी डिस्प्ले में सारा दिखाएंगे और चॉइस भी करवाएंगे, और उसके बाद अच्छा रेट प्राइस है इनका। तो अभी हम एलेंटे मॉल में आ गए हैं, तो सबसे पहले अभी लंच टाइम हो गया तो कुछ पेट पूजा करेंगे। तो हम डायरेक्ट जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे आ गए हैं खाने वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे अभी हम सागर रत्ना में जाने का सोच रहे हैं, साउथ इंडियन, और उसके बाद फिर कुछ शॉपिंग करेंगे। जो एलेंटे है वो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है, तो यहाँ आना तो बनता है जब आप चंडीगढ़ आओ। सागर रत्ना में जो एक थोड़ा एक्जॉटिक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, 4 फीट का डोसा है ये लंबा, 1100 रुपये का। तो पहले हम देख रहे थे इसे, पर ऐसा लग रहा था कि हमसे ये ख़त्म नहीं होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा है। पर अगर आप मतलब 5-6 दोस्त यहाँ पे आते हो, मतलब 4-5 भी होते हो, तो मुझे लगता है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ी सही चीज़ है ट्राई करने के लिए। अभी एलेंटे मॉल के बाद थोड़ा बहुत खा पी के शॉपिंग करके अभी हम ये आ गए हैं फिर से 18D, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। इसी मार्केट में हमने वो सैनिटरी का सामान सुबह वापस किया था, कुछ लिया था। तो अब सोच रहे हैं, आए हैं चंडीगढ़ तो कुछ पंखे वगैरह कुछ ले लेते हैं, तो देखते हैं कुछ। यहाँ पे ये एक मिलाप शॉप है, तो अभी हमने यहाँ से लिए हैं पंखे वगैरह, तो अच्छे रेट मिल गए हमें। लगभग मतलब 8 पंखे हैं 30,000 के ये वाले। पिछले कल की तरह आज हम फिर से जायका 41 रेस्टोरेंट में आ गए हैं डिनर के लिए, हमने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो ये सिर्फ 149 में वेज बुफे है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत अच्छा था। मतलब 150 रुपये में, मतलब आपको किसी नॉर्मल ढाबे पे भी खाना नहीं मिल पाएगा इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खाना था 150 रुपये में, वेज बुफे पूरा। तो आज हम फिर से वहीं जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूज़।